Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine and doing good. Today our topic is Upthrust or Buoyancy. Today we are going to start our lesson number 12 from unit number 7, Properties of Matter. In this lesson we will discuss the following contents: upthrust or buoyancy, example and assignment. First of all, here we see what is upthrust. Upthrust is a force that only exist in liquid such as lakes, oceans, swimming pools and even cups of tea. It is a push that always goes straight up against the direction of gravity. Upthrust ऐसी force है जो किसी भी object को क्या करती है, upward, liquid में upward move करवाती है. As I mentioned in slide कि ये किस पे exist करती है, lakes, ocean यानी all liquid things जहाँ पे हैं, ठीक है, कप ऑफ टी से लेकर ओशन तक ये एग्जिस्ट करती है. ये क्या करती है, ये ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करवाती है जिससे ऑब्जेक्ट क्या करता है, फ्लोट करता है. गॉट इट, इट यू कैन सी हियर इट पुशेस अप, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करती है, सो दैट हम इसे क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं. जैसे आपने कभी देखा है, आप बलून को अगर पानी में रखते हैं तो वो बजाय इसके कि वो उसमें डिप हो जाए, वो फ्लोट करने लगता है. व्हाई इज इट हैपन, इट इज ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स. यू कैन सी हियर अपथ्रस्ट इन एक्शन, ग्रेविटी डाउनवर्ड एंड अपथ्रस्ट फोर्स वर्क एट अपवर्ड. दिस बोट हैज ग्रेविटी पुशिंग इट डाउन एंड द अपथ्रस्ट ऑफ द वॉटर पुशिंग अप. बिकॉज द फोर्सेज आर बैलेंस्ड द शिप फ्लोट. यू कैन सी हियर दो फोर्सेज एक्ट कर रही है, एक क्या है ग्रेविटी विच इज डाउनवर्ड एंड वन इज अपथ्रस्ट विच इज अपवर्ड. ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस करती हैं जिसकी वजह से ये शिप फ्लोट करता है. तो बेसिकली क्या होता है, द डिफरेंस इन प्रेशर लीड टू एन अपवर्ड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर. ठीक है, जो डिफरेंस होता है अपवर्ड फोर्स में, ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्लूइड. लाइक यहाँ पे ओशन क्या है, ओशन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा है कम्पेयर टू शिप. ठीक है, तो ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड मूव करवाती है, अपवर्ड पुश लगाती है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट एक फोर्स है ग्रेविटी जो उसको डाउनवर्ड करती है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं. ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स कौन, अपथ्रस्ट फोर्स कौन सी होती है, या बयोंसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड पुश करती है. तो ड्यू टू दिस फोर्स ये शिप जो है वो फ्लोट करता है. What would happen if the forces were not balanced? क्या होता अगर हमारे पास जो forces हैं यानी upthrust और gravity balanced नहीं होती. You can see here ship जो है वो डूब जाता, या कोई सी भी ऐसी चीज है, ठीक है, वो sink हो जाती. Why does it happen? क्योंकि ये forces एक दूसरे को balance नहीं करती और इससे object जो है वो unbalanced हो जाता. जब object unbalanced होता तो definitely वो डिप कर जाता. नेक्स्ट यू कैन सी हियर मोर एग्जांपल ऑफ अपथ्रस्ट. यू कैन सी व्हाट जूस, इफ यू लेट गो ऑफ योर ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इट फ्लोट अप एंड समटाइम ट्राइज टू बॉब आउट ऑफ द ग्लास. हैव यू एवर फील दिस, कि आप अगर एक स्ट्रॉ रखेंगे, यू कैन सी हियर स्ट्रॉ पुट इन द ग्लास, What will happen? वो ऊपर आ जाता है. क्यों ऊपर आ जाता है, ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स. एक ऐसी फोर्स है जो उसको अपवर्ड पुश करती है और समटाइम यू कैन सी सम जूस या जो भी है वो उससे बाहर आता है. तो ऐसी फोर्स है जो क्या होता है, उसको अपवर्ड मूव करवाती है. ड्यू टू अपथ्रस्ट फोर्स स्ट्रॉ जो है वो अपवर्ड आ जाता है या ग्लास से ऊपर आ जाता है. Here you can see floating in the sea. Salty seas have more upthrust. It's much easier to float in sea than in swimming pool. ठीक है, जितनी salty water होगा या समंदर का जो पानी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, salty होता है, जो उसमें डूब नहीं सकता बंदा. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें ऐसी
अपसस फोर्स है जो क्या करती है, उसको अपवर्ड मूव करवाती है. कंपेयर टू स्विमिंग पूल जो सॉल्टी वाटर होता है उसमें अपसस फोर्स क्या होती है, ज्यादा होती है. सो वी कैन इजीली फ्लोट ऑन द वाटर. नेक्स्ट यू कैन सी हियर द डेड सी इन इसराइल इज द साल्टीएस्ट सी ऑन द अर्थ. यू नो वेरी वेल, ठीक है, जो डेड सी है वो बहुत साल्टी है. इट्स रियली इजी टू फ्लोट ऑन इट. एज आई मेंशन इन अर्लियर कि जो वाटर ज्यादा सॉल्टी है उस पे फ्लोट करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू अदर वाटर या स्विमिंग पूल का जो वाटर होता है. यू कैन इवन रीड अ न्यूज़पेपर, यानी ये चीज आपने देखी है, ठीक है. हैव यू एवर लिसन, अ डेड सी इज द साल्टीएस्ट वाटर इन द वर्ल्ड. सो इट इज इजी टू फ्लोट ऑन इन डेड सी. नेक्स्ट, शेप अफेक्ट अपथर्स्ट. दूसरी चीज क्या है कि जो शेप होती है ऑब्जेक्ट की वो भी डिपेंड करती है अपथर्स्ट फोर्स पे. द लार्जर द सर्फेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट द मोर द अपथर्स्ट फोर्स. जितना एरिया ज्यादा होगा अपथर्स्ट फोर्स इतनी ही ज्यादा होगी. कैन यू टेल मी, दो बॉल्स है, ठीक है, इन दोनों में से किसकी अपथर्स्ट फोर्स ज्यादा होगी? तो डेफिनेटली जिसका एरिया ज्यादा है अपथर्स्ट फोर्स उसकी ज्यादा होगी. हियर अ थिंग इज गिवन. इमेजिन ट्राइंग टू होल्ड दिस लार्ज बीच बॉल एंड दिस स्मॉल टेनिस बॉल अंडर द वाटर, विच वुड बी इजियर. ट्राई टू डू इट, ठीक है, फिर आप बताइएगा कि व्हाट विल हैपन. नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेटिंग अपथर्स्ट फोर्स. हाउ कैन वी कैलकुलेट द अपथर्स्ट फोर्स? अपथर्स्ट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन द एयर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर. ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर को जब हम माइनस करते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, वी गेट अपथर्स्ट फोर्स. यानी जब एक ऑब्जेक्ट वाटर के बाहर होता है उसकी जो फोर्स, ठीक है, उसका वेट, और एक जब ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर है उसका वेट, जब माइनस करेंगे दोनों का डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अपथर्स्ट फोर्स होता है. होपफुली इट इज क्लियर. नेक्स्ट योर होमवर्क, व्हाट इज अपथर्स्ट फोर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स. ठीक है, इट्स डन ऑन योर फिजिक्स नोटबुक. अल्लाह हाफिज.